Now next one, next string method, replace first and replace all. Previous session में just मैंने discuss किया था only replace method के through string के अंदर किसी भी single character को किसी other single character से replace कराना possible था. क्योंकि replace method के case में argument type क्या था, first argument is care, second argument is also care. लेकिन दोनों ही methods के case में बात करें, दोनों ही case में argument type क्या है, string. Suppose अगर आपके पास कोई भी string available है, string के अंदर किसी particular group of characters का occurrence अगर आपको किसी new string से replace कराना था, use क्या करें? Either replace first or replace all method. Replace first method just only searching string का only first occurrence को replace करेगा, जबकि replace all के through all occurrences replace होगा. What is the working of replace first? Replace first means replacing first occurrence of the searching string. इस केस में S1 क्या हुआ? Searching string और S2 क्या? Replaced by means S1 का occurrence replace किससे हुआ? S2 से. Same as in case of replace all. Only दोनों differences क्या है? Replace first method with replacing only first occurrence of the S1 by S2. Same as in case of replace all will be replacing all occurrences of the searching string S1 by S2. For example, किसी particular case में अगर आपके पास कोई student table available है, student table के अंदर data available है student के respect में, कोई particular registered course like है MCA, अगर suddenly कोई भी particular student अगर MCA से means या किसी भी existing course से अगर new course replace कर ले, like for example, अगर किसी coaching centers के respect में आते हैं, किसी ने join किया like है Java, अगर suddenly particular student replace किया, changes क्या करना चाहते हैं, their courses as .NET और PHP और other courses, then इसके अंदर replacement कराने के लिए simply use क्या करो, either replace first or replace all methods. Same as अगर किसी particular employee organizations के case में बात करें, employee का designation है like a salesman. अगर salesman से उसको rename करना है as a sales executive, then main को replace किससे करा सकते हो आप as a executive. इस type के जितने भी requirements होंगे, सभी requirements को fulfill करो by using either replace first method or replace all method. First one, इस case में examples check करेंगे. सबसे पहले इस case में total 3 local values create किए हैं, S1, S2 और S3. इस गिवन केस में स्टैक मेमोरी के अंदर टोटल 3 लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे S1, S2, S3 प्लस S1 के केस में स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन मैंने किससे परफॉर्म कराया, यूजिंग जैक एंड जू. फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इनसाइड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे दोनों केसेस में इनसाइड हीप एरिया. मैं डायरेक्टली राइट डाउन कर रहा हूं. फर्स्ट वन S1 के केसेस में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद कंटेंट्स जैक एंड जू. दिस द ओरिजिनल स्ट्रिंग. इस केस में S1 किसको पॉइंट कर रहा है, समथिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग फाइनली S1 में आसान हो जाएगा, रेफरेंस एज 100. नेक्स्ट वन, सेकंड केस में कॉल क्या हो रहा है, S1 डॉट रिप्लेस फर्स्ट. रिप्लेस फर्स्ट में इसका वर्किंग क्या रहेगा, स्ट्रिंग S1 के अंदर J के जितने भी स्ट्रिंग S1 के अंदर J का फर्स्ट ऑकरेंस रिप्लेस किससे हो जाएगा, BL से. ये देखा जाए तो इसे स्ट्रिंग S1 के अंदर J टोटली अपीयर कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स, लेकिन रिप्लेसमेंट किसके लिए हुआ, ओनली फॉर फर्स्ट ऑकरेंस. क्लियर. फर्स्ट ऑकरेंस के केस में से जैसे ही लेफ्ट टू राइट J फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ, इमीडिएटली J का ऑकरेंस रिप्लेस किससे कराओगे, BL से. प्लस रिप्लेसमेंट के जस्ट बाद रिप्लेस फर्स्ट मेथड कंप्लीटली स्ट्रिंग का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इनसाइड हीप एरिया, देन न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट जे के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, एज अ BL, रिमेनिंग BL के बाद क्या A, देन C के. रिमेनिंग कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे, एग्जैक्टली सेम. प्लस चेंजेस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में हो रहा है, कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट में साइन हुए, कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट. क्योंकि स्ट्रिंग का बिहेवियर क्या रहता है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, इसलिए कभी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना पॉसिबल ही नहीं. देन रिटर्न क्या हुआ इस मेथड से, इट विल रिटर्न रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट और न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. जैसे ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने खुद से एज्यूम किया जाए 200, इसलिए रिटर्न क्या हुआ 200 आसान किस्म होता है, रेफरेंस वेरिएबल S2, देन S2 इस न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा. सेम एज इन केस ऑफ S3 के केस में कॉल क्या किया, रिप्लेस ऑल. रिप्लेस ऑल के थ्रू जे का मीन्स प्रीवियस केस में आपने देखा था ओनली जे का फर्स्ट ऑकरेंस रिप्लेस हुआ, ना कि सेकंड ऑकरेंस. लेकिन जब रिप्लेस ऑल कॉल करो, रिप्लेस ऑल के केसेस में जे के सारे ऑकरेंस रिप्लेस किससे हो जाएंगे, BL से. प्लस इस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए इंटरनली मेमोरी में कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जे के फर्स्ट ऑकरेंस जे के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा, BL देन ACK एंड सेकेंड ऑकरेंस के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा ऑल्सो BL. द रिमेनिंग कैरेक्टर्स के यू एंड ई. नाउ दिस स्ट्रिंग बिकम्स ब्लैक एंड ब्लू.
सपोज इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस 300 है, देन इस केस में रिप्लेस ऑल मेथड रिटर्न क्या करेगा, न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस 300, और 300 कॉपी किस में हो रहा है, रेफरेंस वेरिएबल s3, देन s3 अगेन कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। मीन्स फाइनली इस प्रोसेस में स्ट्रिंग के टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, 3। कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं जो कि मैंने आपको हाईलाइट नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स J भी क्रिएट किस हो रहा है, डबल कोट से। BL भी क्रिएट किस हो रहा है, डबल कोट से। तो J एंड BL अगेन टू एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, लेकिन इन ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को या एड्रेसेस को किसी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर नहीं करा। मीन्स टोटली देखा जाए तो टोटली इस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट होंगे, 5 ऑब्जेक्ट्स। हाईलाइट कितने की मीन्स, लेकिन आपका रेफरेंस कितने, 3 ओनली हाईलाइट किए, ओनली 3 ऑब्जेक्ट्स, क्लियर। देन इसके जस्ट बाद जस्ट एग्जीक्यूट किया हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फर्स्ट केस में डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ s1 और s1 पॉइंटिंग स्ट्रिंग। s1 जैसे स्ट्रिंग को पॉइंट करा, इसके कंटेंट्स अभी भी क्या स्टोर हैं, मीन्स जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग था s1 के अंदर करंटली कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए, इसलिए s1 के केस में क्या डिस्प्ले हुआ, जैक एंड जू। नेक्स्ट वन s2 जैसे स्ट्रिंग को पॉइंट करा, इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, ब्लैक एंड जू। सेकेंड केस में ऐसे डिस्प्ले हुआ जाए, ब्लैक एंड जू। थर्ड केस s3 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा, इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, ब्लैक एंड ब्लू। देन थर्ड केस में मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा ब्लैक एंड ब्लू। दिस इज द एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ रिप्लेस फर्स्ट एंड रिप्लेस ऑल मेथड।